नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा मित्रों, तो इस बार जो है एक बहुत ही बड़ी अपडेट जो है सेडमेप की तरफ से दे दी गई है। जैसे कि आप जो है यदि आपका एप्लीकेशन नंबर और साथ ही साथ में आप अपने को आपके एप्लीकेशन को प्रिंट करना चाहते हैं, आपको आपके इंटरव्यू के लिए जो है आपका एप्लीकेशन जो है बुरा लग रहा है, तो आपको उसके लिए करना क्या होगा, गूगल पर सर्च करना होगा एमपी ऑनलाइन सेडमेप, और जो है ऊपर वाली वेबसाइट पर जाइएगा। कुछ इस प्रकार से आप जो है एमपी ऑनलाइन की सेडमेप की वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। उसके बाद में आप देखोगे सेवाएं वाले ऑप्शन पर, सेवाएं वाले ऑप्शन पर डुप्लीकेट रिसिप्ट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दीजिएगा और आप बहुत ही आसानी से जो है कहीं ना कहीं कंटिन्यूस कर दीजिएगा और जो है आप अपने एप्लीकेशन को प्रिंट कर लीजिएगा और इंटरव्यू में इसे ज़रूर ले जाइएगा, क्योंकि इंटरव्यू देते समय आपसे जो है इंटरव्यूअर इसे देख करके जो है क्वेश्चन पूछेगा और उसमें जो आपने एंटर किया है उसे पढ़ जरूर लीजिएगा। चलिएगा बात कर लेते हैं कि यदि आप एप्लीकेशन नंबर भी भूल गए हैं तो आपको कैसे इसे प्राप्त करना है। यदि आप एप्लीकेशन नंबर भी भूल गए हैं तो एप्लीकेशन नंबर पाने के लिए आपको आपका ईमेल चेक करना होगा, और आपको वही ईमेल चेक करना होगा जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो वहाँ भरते समय जो ईमेल दिया था उस ईमेल में आपका एप्लीकेशन नंबर ज़रूर आया होगा। तो आप ईमेल में जाकर के अपना एप्लीकेशन नंबर को निकाल सकते हैं। यदि आपके पास पुराना मैसेज है तो अपने मोबाइल नंबर पर मैसेज भी चेक कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपके पास एमपी ऑनलाइन से मैसेज आया होगा जो है सेडमेप की तरफ से, और उसमें जो है एप्लीकेशन नंबर ज़रूर होगा। तो आप वहाँ से एप्लीकेशन नंबर को एंटर करके और जो है डेट ऑफ बर्थ को एंटर करके और देख सकते हैं कि आपका जो है फॉर्म किस प्रकार का है, और आपने फॉर्म को जो है प्रिंट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिएगा मित्रों, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आपको कैसे और किस तरह से जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना है।